नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी की। नहीं, बिग बॉस मराठी की बात करें, इसके पहले हिंदी की एक उत्कृष्ट फिल्म है थ्री इडियट। उस फिल्म में जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को बड़े ही इंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है, और एक पहलू जो हम सब इजीली रिलेट कर सकते हैं उस पहलू से, वो ये है कि जब आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन गलती से आप फेल हो गए बट आपका दोस्त टॉप कर जाए तो आपका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है, और अपना दुख भूलकर आप दूसरे के सुख से जलने लगते हो। ऐसा ही कुछ यहाँ बिग बॉस मराठी के इस लेटेस्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला, जहां दो दोस्त जय और वीरू, जिनकी पिछले वीक बहुत तारीफ हुई थी, और हम ये बिग बॉस मराठी में स्टार्ट से देख रहे हैं, कोई बंदे या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक वीक में अच्छा करते हैं उनकी बहुत तारीफ होती है, सडनली नेक्स्ट वीक पूरा पासा पलट जाता है। यहां पर भी ऐसा ही चल रहा है। पिछले वीक जय और वीरू का टैग मिला था विशाल एंड विकास को, इन्होंने दमदार दिखाया था, इनकी दोस्ती एक मिसाल बनने ही वाली थी कि बिग बॉस ने यहां पर एक गेम खेल दिया और टीम शफल कर दी गई, और यहां पर दो तगड़े जबरदस्त दोस्त अलग अलग टीम में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके। तो जाहिर तौर पर दो जिगरी दोस्त अलग अलग टीम में हो गए तो उन्हें अपनी लॉयल्टी अपनी टीम के लिए दिखानी पड़ेगी, अपना टास्क में जो परफॉर्मेंस है जो लॉयल्टी है वो भी दिखाना है, साथ में दोस्ती को भी बैलेंस करके चलना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही कि दो कश्तियों में सवारी करना, और ये बहुत देर तक आप कर नहीं सकते, आपको इवेंचुअली एक साइड जाना ही पड़ता है। तो यहां पर हम देख रहे थे कि वो जो सर्कल में घूम रहे हैं और टीम विकास एंड टीम विशाल यानी टीम ए एंड बी, ये चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है, पहला राउंड जो रहता है वो रद्द हो जाता है, संचालक अक्षय एंड दादू किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाते कि किसके बाउल में ज्यादा पानी किसके बाउल में कम पानी, क्योंकि दुक्कम दुक्की और फिजिकल बहुत हुए। अच्छा, फिजिकल से याद आया कि इस वीक जितनी भी टास्क हुई है फिजिकल बहुत ज्यादा हुए हैं, चाहे कोई सी भी टास्क हो घर वाले बहुत ज्यादा फिजिकल हुए हैं, तो हद से ज्यादा हिंसा का बल का प्रयोग। अभी आज वीकेंड के बार की शूटिंग भी, वीकेंड चावड़ी उसकी शूटिंग भी होगी, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि महेश मांजरेकर साहब ये जो फिजिकल होना और हिंसा का बर्ताव ये लोग जो कर रहे हैं इसके ऊपर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। एनीवे, तो पहला जो राउंड था वो रद्द हो जाता है, लेकिन जो दूसरा राउंड होता है वहां सुरेखा जी बाहर हो जाती है, उनके बाउल में कम पानी रहता है। उसके बाद थर्ड एंड फाइनल राउंड जो होता है वहां विकास पाटिल जो रहते हैं वो उस टास्क से, उस राउंड से वो बाहर होते हैं। इधर विकास भाई का अनाउंस होता है कि भैया ये टास्क से बाहर हो गए, वैसे ही वो चीटिंग किए, विशाल ने चीटिंग किए, ये है तू चीटर है, तू मुंह में पानी भर के चल रहा, ये अलाउड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, अलग अलग तरीके से तर्क वितर्क होते हैं। उधर विशाल का भी पारा चढ़ जाता है, बीच में जय दुदाने तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो ही रहा था, लेकिन तमाम तरह के वाद विवाद और तमाम तरह के झगड़े फसाद के बाद जो डिसीजन रहता है वो तो सर्वमान्य हो ही जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विकास जो रहता है वो बहुत ज्यादा अपसेट भी हो जाता है, तमाम तरीके से वो विशाल को मनी मन गालियां भी बहुत सारी दे रहा होगा। यहां विकास का अति से ज्यादा एग्रेसिव साइड हमें देखने को मिलता है। वो जो टीम का मेंबर है वो टीम सोफा वाला भी टास्क हार चुकी थी, तो वो फर्नीचर बेड पर बैठ नहीं सकते लेकिन वो फिर भी वहां बैठ जाता है। तो इस राउंड में ये बाथरूम का जो हिस्सा रहता है वो भी हार जाता है, हालांकि जेल वाला जो वॉशरूम एरिया उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। फल फ्रूट खाने वाली टास्क होती है, दो लोग हैं जो कि पानी के अंदर खड़े रहेंगे, दो लोग जो नकली फल फ्रूट है वो लाला के देते रहेंगे, जिसकी टोकरी में ज्यादा फल फ्रूट होंगे वो जीतेगा। सो अगेन यहां पर अब यहां संचालक बनती है सुरेखा और मीनल। तो इस वीक बिग बॉस ने सारे घर वालों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया हर तरीके टास्क में, कोई कंटेस्टेंट बनता है तो कोई संचालक बनता है। तो यहां पर मीनल और ट्यूबलाइट जिनका 36 का आंकड़ा एक मत पे आ नहीं सकते कभी, लेकिन यहां दोनों संचालक बनाकर खड़े कर दिए जाते हैं। अगेन यहां पर विशाल जय की टीम जीत जाती है, अगेन यहां पर विकास के गुर्दे छिल जाते हैं। सो अगर हम देखें ओवरऑल पूरे इस टास्क परफॉर्मेंस के दौरान, तो विशाल निकम ने खुद को टास्क मास्टर साबित कर दिया है, वो हर टास्क में शिद्दत से अपना परफॉर्मेंस देता है, और ये पॉइंट वो वहां भी रखता है जब ये कैप्टेंसी की दावेदारी के टाइम पर ये सब बातें करते हैं। हमने ये टास्क के दौरान देखा कि जब विकास बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाता है, मीनल जाकर उसको संभालने की कोशिश भी करती है कि बैकफुट पर चले गए कोई बात नहीं, ये कोई वर्ल्ड की आखिरी टास्क नहीं है, एंड बाद में विशाल आकर विकास को हग भी करता है कि देख मित्रा टास्क में जो हुआ सो हुआ, टास्क के इतर हमारी दोस्ती और मैं भले ही उधर दूर था लेकिन मेरा दिल तुम लोगों के साथ जुड़ा हुआ सेनोरिटा। लेकिन विकास अभी गुस्से में रहता तो वो हग नहीं करता है, वो बोलता है गिव मी सम स्पेस डूड, आई विल बी बैक इन सम टाइम। वैसे भी कैप्टनसी टास्क में एक दूसरे के साथ तो आना ही है, लेकिन ओवरऑल ये जो टास्क परफॉर्मेंस हुआ है इसमें बिग बॉस जो चीजें निकालना चाहता था वो बिग बॉस ने निकाल ली है, जो कि शायद हम वीकेंड के बारे में देखेंगे। जैसे कि महेश मांजरेकर साहब ने कहा था कि उत्कर्ष तू बहुत ज्यादा दिमाग लगा था, खेल अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगा, विकास ने आई थिंक उत्कर्ष की टीम में रहा है और विशाल इस टीम में रहा है, तो भाई भेद आप एक दूसरे के ले सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उत्कर्ष बोल बच्चन है ऐसा विकास का मानना है, वहीं उत्कर्ष ने कहा भी और वो डंके की चोट पर साबित करना चाहता है कि महेश मांजरेकर साहब ने उसको सबसे ज्यादा शाणा और क्लेवर बोला है, तो वो साबित करेगा। अब कैसे साबित करेगा और इस वीक क्या वो साबित कर पाया, ये महेश मांजरेकर साहब सवाल पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा।
और इन्हीं तमाम बातों के दौरान हम देखते हैं कि जय, दादुस और मीरा खुद को सबसे उत्कृष्ट दावेदार मान रहे हैं। बात ही बात में वो कहते हैं कि नहीं, सोनाली को नहीं बनाएंगे, हाँ विशाल को बना सकते हैं, वो बड़ी लॉयल्टी के साथ खेला है। कैप्टनसी की दावेदारी में ये लोग आएंगे, वहां पर भी फिजिकल होंगे, वहां पर भी हिंसा होगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खैर वो तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन महिलाओं की हितों की रक्षा की बात करने वाली और झंडा लेकर चलने वाली तृप्ति देसाई को एक करारा जवाब मिलेगा मीरा जगन्नाथ की तरफ से, जब कप्तानी की दावेदारी में मीरा तृप्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तृप्ति भी पलटवार करके, मतलब आपस में कैट फाइट होगी। तृप्ति के मुंह से हमने सुना कि लड़की होगा, लड़कियों के बारे में ऐसी कैसे बात बोल सकती है। आई थिंक तृप्ति को पता चल रहा होगा कि इस समाज में अगर अच्छी महिलाएं हैं तो फिर जैसे बिग बॉस में महिला होती वैसी भी महिलाएं हैं, तो तृप्ति देसाई को एक रियलिटी चेक मिल रहा है बिग बॉस में, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर ये तो खैर कप्तानी की दावेदारी में नहीं आएंगी, लेकिन इनका जो आर्ग्यूमेंट है ये काफी हद तक गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है। इनकी भी आंखों की पट्टी खुल रही है, वैसे तो पहले भी खुल चुकी थी जब इन्होंने पिछले वीक काफी टॉर्चर वगैरह अंडे वगैरह मारे थे, लेकिन इसके बावजूद इनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला दावेदारी में, इनका नाम तक नहीं लिया गया, तो इनके गुर्दे काफी ज्यादा छिल गए हैं, तो यहां पर वो भड़ास निकाल रही है, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन, क्या विशाल ने जो मुंह के अंदर पानी रखा था वो युक्ति आपको सही लगती है या नहीं लगती। मैं तो उसे सही मानता हूं, क्योंकि आप किसी और चीज में पानी रख नहीं सकते, और क्या होता है कि भाई जब सारे बाउल गिर जाएंगे तो पानी की एक बूंद हो तब भी वो मैटर करता, तो यहां मैं विशाल के इस आइडिया को सही मानता हूं, ऐसा मेरा मानना है। सो मैं इस चीज को गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने बिग बॉस में ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि लोग मतलब हद से ज्यादा मतलब टॉयलेट वगैरह में जाके चीजें छुपा के फिर निकाल लाते हैं, कुछ लोग अंडरवेयर में रख लेते हैं, तो जब ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने इस्तेमाल की हैं तो ये तो सिर्फ पानी था साहब, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एक बात और बताइएगा, क्या विकास का गुस्सा करना जायज था, और जय का ओवर एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट करना क्या आपको ये जस्टिफाइड और सही लगा था, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।